2024 को सुबह 11 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी फिजिकल ईयर 2024-25 का बजट प्रेजेंट करेंगी। ये बजट इंटरिम बजट होने वाला है, फुल फ्लेज बजट नहीं होने वाला, क्योंकि इस साल होने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन। जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस साल फुल फ्लेज बजट प्रेजेंट नहीं होता है, इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है। और जब न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो न्यू गवर्नमेंट अपना फुल फ्लेज बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट हो या फुल फ्लेज बजट, हर सेक्टर को बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि इंटरिम बजट में कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे। इलेक्शंस की वजह से सिर्फ वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया जाएगा, जिसमें न्यू गवर्नमेंट बनने तक के एक्सपेंसेस का ही अप्रूवल वो लेंगी। I'm not going to play a spoiled sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during the summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget, July 2024. ऑल्दो ये बजट गेम चेंजर नहीं होने वाला है, बट स्टिल कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस तो हो सकते हैं। जैसे ही बजट आने वाला होता है, हम सबके मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो मैं बता देती हूँ, ग्रीन इज माई फेवरेट कलर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक क्यूरियोसिटी हो जाती है स्टॉक मार्केट में क्या होगा, और ऊपर से अब की बार तो इलेक्शंस भी है। वैसे तो इलेक्शंस और स्टॉक मार्केट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बट इलेक्शंस स्टॉक मार्केट को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कैसे? शेयर मार्केट के प्राइसेस पर कब जाते हैं? जब शेयर मार्केट की डिमांड ज्यादा हो, बायर्स ज्यादा हो और सेलर्स कम हो, ऐसे में शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। शेयर्स की डिमांड किस पर डिपेंड करती है? ऑब्वियसली बायर्स पे। बायर्स में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में हमारे शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे और आप जैसे लोग। FIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नंबर वन, स्टेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बार गवर्नमेंट बदल रही है, पॉलिसीज बदल रही है, इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं चाहते। नंबर टू, गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी। जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं होती तो पार्लियामेंट में बिल्स पास नहीं हो पाते, पॉलिसीज रेगुलेट नहीं हो पाती, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती, और इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि शेयर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है, और जब उन सेक्टर्स को चलाने वाले, पॉलिसीज फॉर्म करने वाली गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती, कोई डिसीजन नहीं ले पाती, तो ये सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए अनफेवरेबल हो जाती है। नंबर थ्री, ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव गोल इकोनॉमी की ग्रोथ होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट का फोकस अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लोग डिबेट भी करते हैं कि क्या वोट दे या ना दे। अगर दे तो किसे दे? क्या मोदी सरकार परफेक्ट है, या फिर क्या कोई भी सरकार परफेक्ट हो सकती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है, परफेक्ट हो ही नहीं सकती इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे डिसाइड करती हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है इज द मेजर फैक्टर। बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, रिसर्चर्स का, एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर मोदी सरकार इलेक्शंस हार जाती है तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ये बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट होता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स मार्केट एवरेज हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि लॉन्ग रन में एट द एंड हम सबको ऊपर ही जाना है, तो शेयर मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय।
जब भी मार्केट गिरता है तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सोच समझ के इन्वेस्ट करने की। जो मार्केट गिरा है वो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा। आप एक छोटा सा इंसाइट ले लेते हैं कि 2014 से लेके अब तक मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस ओनर्स सब इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी स्कीम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव लिया गया। पहले क्या था, मोस्टली आईटी सर्विसेज पे हम डिपेंड थे, अभी भी हैं, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बन जाए और आने वाले टाइम में ये होगा। 2017 में GST को इम्प्लीमेंट किया गया, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस हो गए और कंप्लायंसेस इजी हो गई। डिजिटलाइजेशन, 2015 में डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 2015 से इतनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुई है कि आप 2010 में सोच भी नहीं सकते थे आप मोबाइल फोन्स, टेलीविजन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। UPI सिस्टम 2016 में आया और आज सब्जी वाला, रिक्शा वाला, हर इंसान UPI से पेमेंट करता है, UPI यूज करता है। डिजिटलाइजेशन ऑन ह्यूज स्केल, जनधन योजना जिसका ऑब्जेक्टिव देश की सभी फैमिलीज को गरीब अमीर फाइनेंशियल सर्विसेज का इजी एक्सेस कराना है, बैंक अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, इस जनधन योजना को मोदी सरकार ने इनिशिएट किया। आधार कार्ड को एक कंपलसरी आईडी प्रूफ बना दिया गया। मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज को एक नेक्स्ट लेवल स्केल पे डेवलप किया है, चाहे आपको बाय रोड दिल्ली से लखनऊ जाना हो, मुंबई जाना हो, जयपुर उदयपुर जाना हो, अमेजिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत जबरदस्त तरीके से हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हुई है। आई पर्सनली एडमायर मिस्टर नितिन गडकरी हु इज आवर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर फॉर हिज वर्क, हिज पर्सनैलिटी एंड अ पर्सन इन होलसम। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसकी वजह से इस सरकार की नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जगह के लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी वजह से मोदी गवर्नमेंट रीइलेक्ट नहीं हुई तो शेयर मार्केट विल डेफिनेटली गो डाउन। बाकी लेट्स सी इंटरिम बजट में क्या बताया जाता है और कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। हमें तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखनी है, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, बिकॉज Investments will make us rich. ऐसी और अपडेट्स लेने के लिए फॉलो करते रहिए फिन जीनियस को। Stay connected, stay healthy and stay happy.